आज मैं लेकर आई हूँ फिश फ्राई की बहुत ही सिंपल, टेस्टी और आसान सी रेसिपी, एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल। फ्रेंड्स, फिश में बहुत अधिक मात्रा में ओमेगा 3 फैटी एसिड मौजूद होता है, साथ में इसमें विटामिन ई भी मौजूद होता है। तो अगर आप फिश खाते हैं तो एक बार आप इसे इस तरीके से जरूर बना के देखें। इस वीडियो में मैं आपको बहुत सारे टिप्स और ट्रिक्स बताई हूं, तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मधु, कुर्मी किचन में आपका स्वागत करती हूं। तो आज की रेसिपी है फिश फ्राई की रेसिपी। तो इसे बनाने के लिए हमें सबसे पहले यहाँ पर फिश चाहिए। यहाँ पर मैं फिश ली हूँ, इसे मैं अच्छे से धो ली हूँ। अब मैं इस पर डालूंगी हल्दी का पाउडर, साथ में मैं इस पर डाली हूँ गरम मसाला पाउडर, साथ में मैं इस पर डाली हूँ धनिये का पाउडर, साथ में भुने हुए जीरे का पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर, साथ में मैं डालूंगी काली मिर्च, और यहाँ पर मैं डाली हूँ नमक, साथ में मैं डाली हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट, और यहाँ पर मैं डालूंगी 2 चम्मच सरसों का तेल। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं सरसों के तेल का इस्तेमाल करी हूँ, आप कोई सा भी तेल ले सकते हैं। अब मैं साथ में यहाँ पर आधे नींबू का रस डालूंगी। फ्रेंड्स, यहाँ पे नींबू के रस को निचोड़ने के बाद ये जो नींबू का छिलका बच जाएगा उसे आप फेंके ना। आप लास्ट में हाथों में अगर मछली का स्मेल आता है तो आप हाथों में नींबू की ये छिलके को रगड़ कर फिर आप हाथों को साबुन से धो ले, इसमें आपको मछली का स्मेल हाथों पे फिर नहीं आएगा। यहाँ पे मैं जो भी मसाला ली थी उन सभी को मछली के ऊपर अच्छे से मिला लूंगी, ताकि यहाँ पर मछलियों के ऊपर मसाले अच्छे से कोट हो जाए। फिर मैं इसे मैरिनेट होने के लिए कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दूंगी। अगर आपके पास ज्यादा समय है तो आप इसे आधे घंटे के लिए भी छोड़ सकते हैं। यहाँ पे मैं मछलियों में अच्छे से मसालों को लगा दी हूँ। अब यहाँ पर मैं इसे ढककर 15 मिनट के लिए रख दी थी। फ्रेंड्स, यहाँ पे इसे मैं 15 मिनट के लिए ढक कर रखी थी। फ्रेंड्स, यहाँ पर 15 मिनट के बाद मैं इसे बिल्कुल भी रेस्टोरेंट जैसा लुक देने के लिए मैं इस पर डालूंगी चावल का आटा। आप इसकी जगह बेसन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ में ही मैं डाली हूँ थोड़ा सा फूड कलर। यहाँ पर 1 चुटकी फूड कलर ली हूँ, लाल वाला। यहाँ पर अगर आप फूड कलर इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। अब मैं इन सभी को अच्छे से मिला लूंगी। फ्रेंड्स, हम जब फिश को मैरिनेट करने के लिए छोड़ देते हैं तो इस पर पानी रिलीज हो जाता है, क्योंकि हम नमक का इस्तेमाल किए थे। अब ये चावल आटा डालने से वो पानी को अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेता है। तो यहाँ पर मैं मछलियों के ऊपर ये जो चावल आटा डाली हूँ उसे मैं अच्छे से लगाऊंगी, ताकि जब हम फिश को फ्राई करेंगे तो ये अच्छे से कुरकुरी बनकर तैयार होगी। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप जो भी मछली लेंगे वो ताजी वाली मछली ही लें, बर्फ वाली मछली का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि बर्फ वाली मछली से फिश फ्राई अच्छे से तैयार नहीं होती है। फ्रेंड्स, आप यहाँ पर कोई भी मछली ले सकते हैं। मैं जो भी मछली और जो भी सामान ली हूँ वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दी हूँ, आप वहाँ से जाकर चेक कर सकते हैं कि यहाँ पर मैं कितना कितना सामान इस्तेमाल करी हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं चावल आटे को अच्छे से मछलियों के ऊपर लगा दी हूँ। अब मछली फ्राई होने के लिए तैयार है। तो यहाँ पर मैं गैस के ऊपर कढ़ाई रखी हूँ और उस पर मैं तेल डाली हूँ, और यहाँ पर फ्लेम को मैं मीडियम रखी हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें ज्यादा तेल का इस्तेमाल नहीं करना है, थोड़े से तेल में ही मछली अच्छे से फ्राई हो जाती है। तो यहाँ पर मैं सरसों के तेल का इस्तेमाल करी हूँ, आप कोई भी तेल यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। जब एक बार तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा, यहाँ पर मैं हाथ रख के देख ली हूँ तेल गर्म हो गया है, अच्छे से हीट आ रही थी, तो अब मैं इस पर मछलियों को डाल दूंगी। तो यहाँ पर आप एक साथ बहुत सारी मछलियाँ ना डालें। यहाँ पर फ्रेंड्स, मैं 2 मछलियों को डाली हूँ और फिर मछली के पीसेस को डाली हूँ और फिर मैं इसे फ्राई करूंगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपकी मछली ताजी है तो यहाँ पर ये कढ़ाई पर नहीं चिपकेगी, लेकिन अगर आपकी मछली बर्फ वाली है तो यहाँ पर वो कढ़ाई के नीचे चिपकेगी और टूट जाएगी। यहाँ पर मैं चम्मच की सहायता से तेल को ऊपर ऊपर मछली के ऊपर भी डाल दी हूँ, ताकि ऊपर वाले हिस्से पे भी अच्छे से भाप से ये थोड़ी सी फ्राई हो जाए।
यहाँ पर फ्रेंड्स अब मैं इसे 2 से 3 मिनट के बाद पलट दूंगी। यहाँ पर फ्रेंड्स आप इसे तुरंत ना पलटे, 2 से 3 मिनट एक साइड को अच्छे से फ्राई होने दे, उसके बाद ही आप इसे पलटे। यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं अगर मछली ताजी रहेगी तो ये बिल्कुल भी टूटेगी नहीं और तेल का छींटा नहीं आएगा, लेकिन अगर मछली बर्फ वाली है तो इसमें तेल का छींटा भी उड़ता है, साथ में ही मछली जो है वो नीचे कढ़ाई पर चिपक जाती है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैं इसे एक बार और पलटकर दूसरे साइड से भी सेक ली थी और फिर अलट पलटकर कम से कम मैं इसे 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से सेकूंगी। यहाँ पर फ्रेंड्स एक बैच को फ्राई होने में कम से कम 7 से 8 मिनट लग जाते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स आप मीडियम फ्लेम पर ही इसे फ्राई करें, अगर हाई फ्लेम पर फ्राई करेंगे तो मछली क्या है ऊपर से अच्छे से पक जाएगी लेकिन अंदर से कच्ची रहेगी, और लो फ्लेम पर फ्राई करने से मछली बहुत ज़्यादा तेल सोख लेती है। तो आप मीडियम फ्लेम पर इसे फ्राई करेंगे तो मछली ना ही तेल सोखेगी ना ही कच्ची रहेगी, ये अच्छी से फ्राई हो जाएगी। अब थोड़ी देर के बाद आप इस तरीके से चम्मच से इसे दबाकर देख सकते हैं, अगर ऊपर का हिस्सा कड़क हो गया है और ये अच्छे से इस तरीके से कलर आ गया है तो आप इसे निकाल लीजिए। फ्रेंड्स यहाँ पर मैं एक प्लेट पर टिश्यू पेपर लगा ली थी और इसे निकाल ली हूँ ताकि इसमें जो भी एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाए। तो यहाँ पर मैं इसी तरीके से मछली को फ्राई कर लूंगी और इसे फिर मैं लाल चटनी और हरी चटनी के साथ प्याज के लच्छों के साथ इसे सर्व करूंगी। ये देखकर बिल्कुल भी रेस्टोरेंट वाली मछली की पीसेस ही लग रही हैं। तो फ्रेंड्स आप एक बार इस तरीके से फिश फ्राई की रेसिपी जरूर बनाएं। आप यहाँ पर इसकी जगह लच्छा प्याज भी सर्व कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन भी प्रेस करें ताकि मैं जब भी नए वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।